नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AG मस्ती में। दोस्तों, कल का जो वीडियो था मेरा, वो तो चाइना के ऐप था जिसको कोशिश करें आप अनइंस्टॉल कर ही दिए होंगे। उसके बाद उससे पहले जो मेरा था वो रैट कंट्रोल, मतलब रोडेंट कंट्रोल या रोडेंट की लाइफ हिस्ट्री, उसके बारे में था। तो वो दोस्तों थोड़ा बड़ा टॉपिक है रोडेंट का, चूहे का, जिसकी वजह से उसी का आज पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं पार्ट 2 और पार्ट 1 में, पार्ट जो 1 था उसमें हैबिट के बारे में मैं बता रहा था लास्ट में, हैबिट उसकी कैसी होती है। तो आपने जाना कि उसकी हैबिट बहुत ही सखी टाइप की होती है और बहुत ही वो सखी प्राणी होता है। दुनिया का कोई अगर सखी प्राणी है तो सबसे नंबर एक पे लिया जाता है नाम, तो चूहे का ही लिया जाता है। उसके बाद जो उसकी बिल उल के बारे में थे, जो वो कैसे गड्ढे बना के अपने जो बिल होते हैं उनको कैसे नेचुरल एसी में कन्वर्ट करता है, क्या क्या उसमें रूल रहता है उसका, इन सभी के बारे में मैंने कल बताया था। तो उसके बाद में आ रहा था कि टाइप ऑफ बर्रो, टाइप ऑफ बर्रो एक पॉइंट कल वो जो था, टाइप ऑफ बर्रो BURROW, तो इसके बारे में जो था, इसके मीन्स होता है कि बिल, जो चूहा जिसमें रहता है उसका जो बिल होता है, उसका जो घर होता है वो कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो उसमें क्या था, नंबर एक पे जो उसके बिल का प्रकार है तो है ब्लाइंड शॉर्ट विद सिंगल ओपनिंग, मतलब बिल छोटी होगी तथा अंधी भी होगी तथा बंद भी होगी। जैसे इसका टाइप ये दिया गया है कि इसमें क्या होता है कि बिल जो होती है वो छोटी और अंधी होती है, मींस जैसे ये बिल बना है तो यहाँ पे उसका एक बंद होता है, यहाँ पे वो बंद रहता है, एक ही जगह से आता है चूहा और यहीं से जा कर के ये पुनः ही वापस हो जाता है बाहर निकलने के लिए। तो इस प्रकार की जो होती है उसको बोलते हैं ब्लाइंड या शॉर्ट ओपनिंग बिल बर्रो। उसके बाद दूसरा आता है ब्लाइंड लॉन्ग विद सिंगल ओपनिंग, मतलब ये कैसी होती है, लंबी तो होगी मगर बंद होगी। इसमें क्या होता है कि कई टाइप के इसमें वो बनते हैं, इसमें लंबी होती है वो शॉर्ट थी, ये शॉर्ट वाली थी और ये लॉन्ग वाली है, बंद दोनों रहेंगी, पर क्या होता है कि ये दोनों एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। दो प्रकार के इसके बिल हो गए। तो तीसरा टाइप जो रहेगा वो है ब्लाइंड रिमिटेड सिंगल ओपनिंग। इसमें क्या होता है कि एक ही सुराख से या एक ही रास्ते से कई सारे रास्ते वो अंदर बना लेता है, जिसकी वजह से वो सभी इधर उधर भी जा सकते हैं, पर क्या होता है कि ये बंद रहते हैं। इधर ऐसे गया, उसके बाद इसी से ब्रांच ये निकल गई और जो मेन ब्रांच थी उसको ये बंद रहती है सामने से, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड लिमिटेड सिंगल ओपनिंग। उसके बाद आता है यू टाइप। इसमें से क्या होता है, इसमें से मजहर लोग, मतलब एक जाति होती है जो झारखंड बिहार में पाई जाती है, इनसे निकले दाने पर जीवन यापन करते हैं। समझिए आप कितनी बड़ी बात है ये, कि जो यू टाइप का इसका बिल होता है उसमें इस जाति के लोग जो इस जगह पे पाए जाते हैं, मजहर जाति के लोग इस जगह पे पाए जाते हैं, तो ये लोग इनके जो घर में, सॉरी इनके जो खेतों में जो इनका अनाज रखने का, जो अपने अनाज जो रख लेते हैं, जो चूहा होता है ये अनाज अपने घर में इकट्ठा कर लेता है, तो इस टाइप का जो घर होता है चूहे का, इसमें इकट्ठा किया गया अनाज पे ही ये अपना जीवन यापन करते हैं, तो जीवन यापन कर लेते हैं। उसके बाद आता है यू टाइप रिमिटेड। इनके गड्ढे में बहुत छिद्र होते हैं, सांस के लिए होते हैं। एक जो यू टाइप का है उसमें क्या होता है, जिसमें छिद्र नहीं होते हैं उसमें दाना सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसका जो घर होता है वो नेचुरल एसी का कार्य करता है, इधर उधर से नमी का आने से आवागमन नहीं रहता है, तो इसमें बहुत सारा जो है दाना इकट्ठा कर लेते हैं, जो झारखंड के लोग, बिहार के लोग इस पे जीवन यापन
करते हैं, किस जाति के, मजहर जाति के लोग इस पे जीवन यापन करते हैं। उसके बाद है एक और टाइप का यू टाइप रैमिफिड। तो इसमें क्या होता है, इसमें गड्ढे में बहुत सारे छिद्र होते हैं, सांस के लिए होते हैं, सांस लेने के लिए होते हैं। जैसे ये आपका है तो इसमें ये गड्ढा होगा, ये गड्ढा होगा, ये गड्ढा होगा, मतलब इसमें ऊपर से आवागमन हवा का और जो है उसका धूप का रहता है। तो इस प्रकार के ये दूसरा जो छठा टाइप है इसके, तो क्या है इंटर कम्युनिकेट। इसमें क्या होता है कि कई बिल बनाकर आपस में जोड़ते हैं, जैसे इनकी समस्या वैसी ही घर को बनाते हैं। मतलब ये छठा जो टाइप रहेगा ये इंटर कम्युनिकेट के माध्यम से ये भी बिल बनाने का कार्य करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक बिल से दूसरे बिल को जोड़ देते हैं। जैसे पहला बिल जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, बंद लगा है। तो यहीं से दूसरा बिल आता है हमारा, ये बंद लगा है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में ये जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन का माध्यम बना रहता है और ये अपना पूरा का पूरा लाइफ उसी में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कम्युनिकेट के माध्यम से भी ये अपने बिल को बनाने की ज़रूरत रखते हैं। जैसे कोई उन पे लग रहा है कि दिक्कत आ रही है, तो ये अपना कम्युनिकेट के माध्यम वाले बिल में जाकर के कम्युनिकेशन कर लेते हैं कि इधर मारने वाला शिकारी बैठा है या उधर बैठा है, और देखते रहते हैं जिधर वो शिकारी नहीं होता है उधर ही से ये बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने बचाव के माध्यम से भी अपने घर का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है फूड एंड न्यूट्री एनिमल। तो इसमें क्या होता है, चूहा सभी भोज पदार्थों को आवश्यकता अनुसार पसंद करता है, दाना, मीट, घी, दूध, लेकिन यह साफ हुआ ताज़ा अनाज ज़्यादा पसंद करता है। देखो खाता चूहा सब कुछ खाता है, दाना भी खाता है, मांस भी खाता है, मीट भी खाता है, खीस भी खाता है, दूध भी लेता है, लेकिन अगर इसके चॉइस की बात की जाए तो सबसे अच्छा इसको जो है ताज़ा अनाज बहुत अधिक पसंद होता है चूहे को। तो ताज़ा अनाज पसंद होता है तो ऑटोमेटिक है कि ये उसी पे ज़्यादा निर्भर रहता है। यह शरीर का 10% अनाज प्रति दिन खाता है, मतलब जितना इसका शरीर होता है उसी का 10% ये अनाज प्रतिदिन खाता है। उसी हिसाब से ये अपना स्टोर कर लेता है या फिर उसको इकट्ठा करने की व्यवस्था करता रहता है अपने शरीर का 10%। सोचने वाली बात है दोस्तों, ये अगर सपोज दैट 1 किलो का चूहा है तो ये उसका 10% मीन्स 100 ग्राम अनाज पर डे खाता है और उसी हिसाब से ये इकट्ठा भी कर लेता है। उसके बाद प्रतिदिन खाता है, सामान्यतः डेली कंजप्शन ऑफ फूड ग्रेन 50 से लेकर के 500 ग्राम पर डे की दर से चूहा द्वारा नुकसान के आंकड़े निम्न हैं। मतलब कि ये 50 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक एक चूहा एक दिन में खाने की कैपेसिटी रखता है। इतने सारे चूहे होते हैं तो समझो कितना नुकसान कर जाते हैं हमारे अनाज को। उसके बाद आता है कि आंकड़े निम्न हैं, किस फसल में कैसा चूहा कितनी मात्रा में कितना प्रतिशत नुकसान करता है उसके बारे में। तो एक पॉइंट है इसमें कि क्या है, जलवायु अच्छी होती है, बिल बनाने के लिए मिट्टी अच्छी होती है, पानी में धान में ये पानी वाले फसलों में थोड़ा सा कम इफेक्ट डालते हैं, जैसे जैसे उधर फसल बड़ी हो जाती है धान की फसल में तभी ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, तब तक ये बाहर रहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस फसल में कितने प्रतिशत चूहा के द्वारा नुकसान कर दिया जाता है। किसान अपनी फसल को मेहनत करके तैयार करता है, उसके बाद कितने प्रतिशत वो किस फसल में नुकसान करता है वो देख लेते हैं। तो उसमें है गेहूं की जो फसल होती है उसमें 11% और जौ की 5 से 10%, चना में 0 से 9%,
धान में 4.5 से 5.5%, मूंगफली में 4 से लेकर के 25% तक, मक्का में 1.3%, कोकोनट 5%, गन्ना 2.2%। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे होते हैं चूहे जो सभी फसलों में एक अनुमानता लगाया गया है इस फसल को इतने प्रतिशत चूहे के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। उसके बाद आता है स्नैक। थोड़ी सी जानकारी थी हमने कहा डालते हैं आपकी जानकारी के लिए कि बोलते हैं सांप दूध पीता है, सभी लोग ये बोलते हैं, पर रियलिटी क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या देखा है कि सांप दूध नहीं पीता है। अगर उसको बंधन में रखा जाता है और कुछ खाने के लिए दिया नहीं जाता है और उसको एक लिमिट में रखा जाता है, सिर्फ खाने के लिए उसको दूध ही दिया जाता है, तो उसे बंधन में रखें तो भूखे में कोई भी आदमी, कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी प्राणी उसको खा लेता है, क्योंकि दूध से वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या लेता है, स्टार्च। स्टार्च दूध में होता नहीं है, इसलिए क्या होता है कि सांप को स्टार्च चाहिए, तो सांप दूध नहीं पीता है, बंधन में रखे तो भूखे में कोई भी कुछ भी खा सकता है, इसको स्टार्च को पिलाते हैं, बल्कि मुख्य भोजन सांप का चूहा ही है। सांप कभी बिल नहीं बना पाता है, बिल हमेशा चूहा ही बनाता है, इसलिए सांप का मुख्य भोजन चूहा होता है, चूहे को ये खा जाते हैं, उसी के घर में रहने का कार्य करते हैं। तो आपको पता चला कि सांप को क्या है, अक्सर सांप को दूध नहीं चाहिए, उसको स्टार्च चाहिए, स्टार्च से अपनी लाइफ साइकिल चलाता है, इसलिए वो अपना चूहे को मार के उसी के घर में रहता है। अगला देखते हैं दोस्तों, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, चूहे की लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। चूहा साल भर बच्चा देता है, बंडी बाटा स्पीशीज साल भर में 2 बार बच्चा देता है, बंडी बाटा स्पीशीज साल में 2 बार बच्चा देता है। नंबर एक पे मार्च से लेकर के मई के बीच में बच्चा देता है, दूसरा जो है अगस्त से लेकर के अक्टूबर के बीच में बच्चा देता है। तो बंडी बाटा स्पीशीज एक चूहे की पिछली मैं वीडियो में बता चुका हूँ उनके वैज्ञानिक नाम, तो जो इस प्रकार के इसकी स्पीशीज है इसमें बच्चा 2 बार देते हैं। तो क्या होता है, इनके बच्चे 2 से 3 माह में मैच्योर हो जाते हैं, बच्चा देने की क्षमता इनमें आ जाती है। इनका गर्भकाल 20 से 25 दिन का होता है। दोस्तों हमें लग रहा है इन्हीं का गर्भकाल सबसे कम होता है, 20 से 25 दिन के अंदर ये बच्चे को दे देते हैं, जन्म दे देते हैं। 4 से 5 हेट होती है जो 2 दिन का होता है, 4 से 5 हीट होती है जो 2 दिन का होता है, जो 2 दिन का होता है एक बार में 8 से 10 बच्चे देती है। इसमें क्या होता है, एक बार में 8 से 10 बच्चे देती है, कभी कभी 20 से 22 बच्चे भी एक बार में रिकॉर्ड किया गया है, 20 से 22 बच्चे एक बार में रिकॉर्ड किया गया है। मतलब मादा चूहा प्रतिवर्ष लगभग 10 बार प्रजनन करती है। इनका नवजात बच्चा बाल रहित होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं उनके शरीर पे बाल नहीं पाए जाते हैं। 2 सप्ताह बाद आंखें खुलती हैं। आप घर में देखना चूहा के बच्चे, तो उसमें छोटे जो होंगे बाल शरीर पे नहीं होते हैं, और 2 माह के बाद ही उनकी आंखें, सॉरी 2 सप्ताह के बाद आंखें खुलती हैं। 3 सप्ताह बाद खाना शुरू कर देते हैं, और जीवन काल में 1 से 3 साल का होता है। एक चूहा 1 से लेकर के 3 साल तक उसका जीवन बना रहता है, 3 साल तक वो जीवित रहता है। 32 बीमारी चूहे द्वारा ही होती हैं, इनके जो 32 बीमारी ऐसी होती हैं मनुष्य में
या अपने समाज में जो चूहे के द्वारा फैलाई जाती हैं। दोस्तों कितनी रोचक बात हमने बताई आपको कि मोर देन 32 बीमारी, मतलब कि 32 बीमारी चूहे के द्वारा ही होती हैं। उसमें से मुख्य बीमारी इस प्रकार हैं, क्या हैं? बीबियोनिक प्लेगो, इनका खाया बल खाने से, इनका इनके खाए हुए खाने खाने से जो है एक बीमारी होती है। उसके बाद टाइफाइड होता है, पीलिया होती है, चूहा काटने से बुखार आता है। तो इस प्रकार से अब जैसे मान लो पीलिया है तो इसका वायरस कैसे आता है, तो प्रोड्यूस करता है चूहा ही प्रोड्यूस करता है। टाइफाइड जो है कि बैक्टीरिया के माध्यम से होती है, तो ये कहाँ से आता है, चूहा के द्वारा ही समाज में फैलाया जाता है। और कई अन्य सारी बीमारियां हैं जिनको हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं जो आजकल होती हैं। उसके बाद क्या आता है, रैट कंट्रोल। दोस्तों इतना सारा भयानक सब सारा कंट्रोल हो गया, सॉरी कंट्रोल को छोड़ के उसकी लाइफ साइकिल हो गई, उसकी हैबिट हो गई। उसके बाद देखते हैं इसका कंट्रोल क्या है, फिर ये कितना ज़्यादा नुकसान कर जाता है, इसको क्या कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखते हैं रैट कंट्रोल की बात की जाए, अगर रोडेंट कंट्रोल की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, रैट फ्रूटिंग गोडाउन, मतलब गोदामों की दीवारें पक्की होनी चाहिए, गड्ढे भर देना चाहिए, फर्श पक्की होना चाहिए, सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, तब ये गोदाम में कंट्रोल जाके होगा। उसके बाद एक रास्ता है चूहादानी, बांस से बनी लोहे की बनाई जाती है, उसमें क्या होता है मेडालिक चूहादानी एक साथ 10 को पकड़ सकती है। बड़ी बड़ी में चूहादानी होती हैं जो एक बार में 10 चूहे को पकड़ सकती हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या है, नेचुरल एनिमीज, बिल्ली होती है चूहा खाती है, सांप खाता है, मंगूज एक जानवर होता वो चूहा खाता है, चिड़िया भी खा लेती, उल्लू खाता है, आदमी भी खा लेता है चूहे को। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल यही है कि आप ही खा जाइए, आप नहीं खा सकते हैं तो बिल्ली सांप मंगूज चिड़िया उल्लू आदि जैसे जानवर होते हैं। अब समझ लीजिए बायोलॉजिकल कंट्रोल को बारे में हमने पिछले वीडियो में कभी बताया है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप खा गए तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, भाई मांस है खा रहे हो आप, बहुत सारी जातियां इसी पे निर्भर हैं, मनुष्य की ही जातियां हैं बहुत सारी जो चूहे को खा करके अपनी लाइफ कंप्लीट कर रही हैं। तो उसके बाद बिल्ली सांप ये सभी खाते हैं, तो इनकी सबकी ये क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ना ही आराम से ये कंट्रोल हो जाती हैं। उसके बाद आता है कि चूहे को कंट्रोल और कैसे कैसे किया जा सकता है। तो कंट्रोल आदमी के बेडरूम के पास यूज ना करें, क्योंकि यह नहीं, इसमें उसके बाद केमिकल कंट्रोल आ जाता है, सॉरी केमिकल कंट्रोल में क्या है, फ्यूमिगेंट्स एट रेक्टेक्स, फ्यूमिगेट्स मतलब धुएं वाली चीज़ होती हैं, एट्रैक्टिमेंट्स एक्ट्रामेट्स, चीमोस्टेरिलेंट्स भी यूज किया जाता है, कैल्शियम साइनाइड का यूज किया जाता है, बिल में गैस डाल देते जिससे वो मर जाता है, CO2 का यूज करते हैं, हाइड्रोसाइनिन HCN जिसको बोलते हैं, इस गैस का भी यूज किया जाता है, हाइड्रोसाइनिन 10 से लेकर के 20 ग्राम प्रति बिल में डाल दिया जाता है और ये मर जाता है। उसके बाद CO2 का भी यूज किया जाता है, कैसे, आदमी के बेडरूम के पास यूज ना करें क्योंकि यह खतरनाक होता है, फास्फीन गैस भी दूर ही रखी जाती है, सल्फास जो होती है उसमें फास्फीन गैस ही होती है, उसको जो है दूर रखें और इसको मारने में यूज किया जा सकता है। उसके बाद एक पॉइंट और था बिल्ली के, यह कभी खाली नहीं जाती है, इसका शिकार इतनी दूरी से बैठती है फिर भी झपटने पे शिकार इनके पैरों में होता है। तो बिल्ली जो शिकार करती है चूहे का, उसको जो है ये पूरा का पूरा उसका शिकार कंप्लीट ही पकड़ ही लेती है, उसका कभी शिकार खाली नहीं जाता है,
बिल्ली के बारे में एक ही बात बोली जाती कि इसका शिकार कभी खाली नहीं जाता है। और दोस्तों कई सारे केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल हमने सब बताए राइट के, तो उसके बारे में आपको सभी सारा का सारा बताया है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएं। ये था इसके टाइप ऑफ बर्रो, मतलब कि जो चूहा का बिल होता है उसके प्रकार से लेकर के और उसके कंट्रोल तक हमने बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, एक बार अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।